हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, जो शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं ना, वो है आज। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह का 3 बज रहा है। तो अभी ठेकुआ बनेगा प्रसाद के लिए, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। और जो ठेकुआ बनेगा ना, वो मम्मी बनाएगी। नहाकर मम्मी आई है, तो ये इसे नहाकर ही बनाया जाता है। ऐसे तो कोई भी बना सकता है, हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहाए नहीं थे, मम्मी नहाई थी। तो मम्मी बनाएगी, और जो 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 प्रसाद के लिए ठेकुआ बन रहा है ना, वो मम्मी बनाएगी। बाकी सब ठेकुआ जो बनेगा, जो खस्ता होता है, वो सब हम लोग मिलकर बना लेंगे। तो मम्मी भी रहेगी और भैया भाभी सब मिलकर बनाएंगे। और हर छठ पूजा में मेरे यहाँ सुबह में ही ठेकुआ बन जाता है, क्योंकि ये सब बनाने वाला जो काम होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है बनने में, और थोड़ा ज़्यादा बनाने रहता है ना। तो क्या है ना कि छठ पूजा ख़त्म हो जाता है, तो प्रसाद है, तो अपना रिलेशन में कहीं भी प्रसाद भेजना रहता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये तो ठेकुआ है, तो ये तो प्रसाद के लिए थोड़ा सा ही बनेगा, लेकिन जो खस्ता बनेगा ना बाद में, ये बनने के बाद बनेगा, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा बनता है, क्योंकि प्रसाद के लिए सबको देना रहता है, तो थोड़ा इसलिए टाइम लगता है इसे बनने में। तो इसलिए सुबह से उठकर इसे बनाया जाता है। और अभी देखिए 3 बजे से ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो सुबह का 7 बज जाएगा बनते बनते। तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें। ठेकुआ खस्ता 7 बजे तक बनकर रेडी हो गया था, और अभी 11 या 12 बज रहे होंगे। टाइम का कन्फर्म मुझे याद नहीं है कितना बज रहा था, लेकिन 11-12 बज रहे होंगे इस टाइम। और उस टाइम मम्मी दौरा सजाने की तैयारी कर रही थी, तो जितने भी फल होते हैं ना, सबको धो लिया था मम्मी अच्छे से। और उसके बाद इसमें जितने भी, मतलब जितना भी फल होता है ना, सब चढ़ता है, और नारियल, सेब, केला, और मतलब जितना भी फ्रूट होता है ना, सब चढ़ता है इसमें। तो अभी मम्मी इसमें
चावल होता है ना, अरवा चावल बोलते हैं, वही इसमें डाल रहे हैं, जिसको अच्छत भी बोला जाता है, तो वही मम्मी अभी सब में डाल रही हैं। और छठ पूजा बहुत ही बड़ा पर्व है हम लोग के लिए, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इसे, और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मुझे मौका मिला है इस बार रहने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है छठ पूजा में रहना। और जिनके यहाँ छठ पूजा मनता है ना, उनको पता होगा कि कितना अच्छा लगता है छठ पूजा में। देखिए दौरा सजकर रेडी हो गया है, और कितना अच्छा लग रहा है ना। और 3:30 बजे का तो हम लोग घाट पर जाएंगे, और पहले तो भैया चले जाएंगे घाट पर, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे पीछे से। तो ये देखिए भैया रेडी हो गए हैं घाट पर जाने के लिए, और उसके बाद हम लोग पीछे से जाएंगे, और बच्चे लोग को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो हम लोग भी अब घाट पर जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरी भाभी है और मेरी भतीजी है और मम्मी भी है। तो मम्मी आगे आगे चल रही हैं, हम लोग पीछे से हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है घाट पर जाने में। और आगे जो आप एक अंकल देख रहे हैं ना ज़मीन पर लेटकर जा रहे हैं, उसे दंड बोलते हैं। जैसे कि कोई भी मन्नत हम मान देते हैं ना छठ मैया से कि ये चीज़ पूरा हो जाएगा, तो हम घर से घाट तक दंड करके जाएंगे, जैसे कि ज़मीन पर लेटकर जाएंगे, तो वो पूरा करना पड़ता है। तो अगर आपका मन्नत पूरा हो गया है तो ऐसे ही घर से लेकर घाट पर तक ऐसे ही लेटकर जाना पड़ता है। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं घाट पर। और अगर आप लोग को थोड़ी सी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं, और आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें।
Oh,